65,000 या 70,000 आर्मी में भर्ती हुई, वो आर्मी को तोड़ के बना दिया 4 साल का अग्निवीर। 17 साल का लड़का अग्निवीर में जाएगा, 21 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, 30-40 लाख से वो अपनी बहन की शादी करेगा, अपनी करेगा, अपने घर को बनाएगा। ये बात का जवाब दे, जिन्होंने अग्निवीर स्कीम लाई है अब उनको भी समझ नहीं आ रहा हमने बना क्या दिया है। अभी जो रह गए हैं 4 साल के बाद 25-30 लाख रुपया लेकर वो वापस आएंगे, वापस आकर बैठ कर वो कहीं भी कोई भी काम अपना कर सकते हैं। नहीं तो उनके लिए जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है CRP BSF उसमें जा सकते हैं और उसी टाइम जाएंगे। हमारी सर्विस रही 20 साल की। सर आप 20 साल की सर्विस कर रहे हो, लड़कों को बोलोगे 4 साल में वापस आ जाओ, अच्छा लगेगा उसको? क्यों नहीं लगेगा, वो एक शिक्षित बनेगा, देश शिक्षित बनेगा, देश क्यों नहीं शिक्षित बनेगा। जस्ट कह दे, एक वीडियो चढ़ी थी उसमें CHM बोलता है जा तू ड्रिल कर, बोला मैं अग्निवीर हूँ, मैं किस लिए ड्रिल करूँ, लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ जाएगा अग्निवीर, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो हुक्म नहीं मान रहा अभी झुंड में। पिछले 70 साल कांग्रेस ने किया गया सारे लोग वास्ते, क्या किया कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया बीजेपी ने? 10 साल में मेरे को काम बताओ, उनके काम बताओ 10 साल में। जम्मू में एम्स आया पहले 10 साल पहले, आया बिहारी आया, गवर्नर ने कौन को किसको बिठाया, ये बैठाए सेक्रेटरेट में भी ये बैठा दे, ठेकेदार भी ये आ गए, टोटल 7 एम्स है, आज 120 एम्स है, जो कि जम्मू में 2 एम्स है, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। जम्मू में रिवर फ्रंट बन रहा है, डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है हद से ज्यादा, पिछले 70 साल में यहाँ पे हुआ कुछ नहीं था। चिट्टा आज गांव में जिसके माँ का बच्चा मरा ना चिट्टे में, उनको पूछो क्या आया 10 साल में, चिट्टा आया। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में हैं। आरएसपुरा सेक्टर मतलब जिस जगह हम खड़े हैं, मेरे साथी अमितेश के पीछे जाएंगे, अगर 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने पे आपको भारत पाकिस्तान का वो सुचेतगढ़ बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाई देता है, और इधर चलने पे 15 किलोमीटर दूर जम्मू, और इधर जाएंगे तो 11 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सियालकोट। यहाँ के लोग मजाक में कहते हैं कि सियालकोट ज़्यादा पास में पड़ता है जम्मू के, लेकिन इस जगह की एक हिस्ट्री ये भी है कि यहाँ के लोग लंबे समय जब देश का विभाजन हुआ उस समय यहाँ के लोग सियालकोट से छोड़कर उसी इलाकों को छोड़कर भारत में आकर बसना स्वीकार करते हैं, और फिर जो कहानी है वो सामने इस बातचीत में खुलेगी ही। और इस जगह की एक पहचान ये भी है कि अभी 3-4 दिनों पहले BSF ने दावा किया कि कुछ लोग यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे थे, आर्म्स रिकवरी दिखाई गई, कुछ हथियार दिखाए गए, और कहा गया कि ये जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे उनसे बरामद किए गए हथियार हैं, जिसमें AK-47 और कुछ ग्लॉक पिस्टल्स भी थी ना, 2 पिस्टल्स भी थी और कुछ बुलेट्स वगैरह भी शामिल थी। सेंसिटिव इलाका है, पॉलिटिकल राय क्या है यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों का सोचना कैसा है, यहाँ के लोग चाहते कैसी सरकार है, किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो पूर्ण राज्य चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इन सब पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो सर्विस में रह चुके हैं, आर्मी की सर्विस में रह चुके हैं, कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ सोशल वर्कर भी हैं यहाँ पे। सर आप क्या करते हैं, आप सर्विस में रहे हैं? नहीं, मैं सर्विस नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं जी? पक्का सुपर, हम अपना ही काम करते हैं, अपनी शॉप है, बिजनेस है, तो नॉन पॉलिटिकल है हम। सर यह सुचेतगढ़ और आरएसपुरा वालों का ये सियालकोट कनेक्शन का हिस्ट्री क्या है सर? बेसिकली जो सियालकोट है पाकिस्तान लाहौर है, ये सारा 1947 से पहले तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। जी। तो ये सारा जो गांव है, ये माइग्रेंट लोग हैं 1947 के, देवा बटाला जो जिला मीरपुर है, तहसील उसकी भिम्बर थी, और गांव जो बटाला था जहाँ पे मीरपुर कोटली वाला मीरपुर, कोटली वाला मीरपुर है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट था, तो जो भिम्बर थी वो हमारी तहसील थी। हाँ। तो 1947 के बाद जहाँ से लोग जितने भी आए हम पलायन करके, हाँ। वो चाहे जनरल कास्ट के मैक्सिमम जितनी बरादरियों के लोग आए हुए अलग अलग गांव में बसे हुए हैं। हाँ। तो ये 17 गांव है, तो जहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं ये भी माइग्रेंट हुए हैं 1947 के। अच्छा, 47 में माइग्रेट करके इन्हीं इलाकों से यहाँ पर आके आप लोग रहना स्वीकार करते हैं? ये गवर्नमेंट का कैंप लगाए थी जब। अच्छा। पहले पंजाब में लेके थे हुशियारपुर, उसके बाद जम्मू नगरोटा में रखा 3-4 साल, उसके बाद फिर अलग अलग जैसे जो गांव का नाम सतराइया कैंप है, कैंप क्या नाम है, सतराइया कैंप, सतराइया कैंप, कैंप कैंप मीनिंग जहाँ पे कैंप लगा था रिफ्यूजियों का। अच्छा। तो अब कैंप रिफ्यूजी की तरह उधर से यहाँ पे आए, उनका कैंप लगा के उधर से बसाया गया। जैसे अच्छा आरसपुरा में सिंबल कैंप है, वो भी रिफ्यूजी है, अलग अलग जो कैंप भोर कैंप चट्ठा कैंप जितने भी है ना, जैसे सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, फिर जो जगह थी उसका जगह के नाम के आगे कैंप लगा दिया। अच्छा। हाँ, तो अब जगह थी वहाँ पे कैंप लगाया और नाम रख दिया सतराइया कैंप, जैसे गांव का नाम सतराइया था सतराइया कैंप। अच्छा। जैसे सिंबल में लोग थे। हाँ। उनका सिंबल कैंप। हाँ। चट्ठा कैंप, भोर कैंप,
ऐसे गोल गुजराल कैंप, हाँ। तो अलग अलग जहाँ पे लोग बैठे ना उनका यही नाम लग गया कैंप आगे। इसका नाम आरएसपुरा कैसे पड़ता है? आप लोगों में से कोई भी बात कर सकता है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, मुझे आवाज देंगे मैं आ जाऊंगा। जगह का नाम आरएसपुरा कैसे पड़ता है फिर? आरएसपुरा हमारी तहसील थी, अब सब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पहले जो आरएसपुरा हमारी तहसील थी, फिर वो अब सब डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारी तहसील हो गया सुचेतगढ़, जो हमारी कांची चुवासी का नाम भी सुचेतगढ़ है, तो तहसील भी हमारी सुचेतगढ़ अलग हो गई है। आरएसपुरा सर एक्चुअली जो राजा रणवीर सिंह थे उन्होंने बसाया था ये, उनके नाम पे ये आरएसपुरा रणवीर सिंह पूरा इसमें, हाँ जी सर, आरएसपुरा सर, तो जो रणवीर सिंह राजा थे उन्होंने ये अपना कस्बा बसाया था 47 पहले। बॉर्डर के पास रहते हैं अभी, कितनी कैसी स्थितियाँ हैं? शांत है मामला यहाँ पे? पहले तो हम लोग बड़ा खबरें पढ़ते थे आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी, बिल्कुल शांत है। अच्छा, बिल्कुल कोई अभी गोलीबारी नहीं, कोई कुछ नहीं, काफ़ी देर से बिल्कुल शांत है। गोली फायर होगी तो गोला फायर कर देंगे। पहले नहीं करते थे, पहले हम भी बॉर्डर पर रहे, कोई आर्डर नहीं देता था। अच्छा, बॉर्डर पर रहे, आप भी पोस्टेड रहे? हाँ। कहाँ पे सर? पुलिस जोड़ी साइड होती बॉर्डर पर। लेकिन पहले क्या होता था, फायर नहीं करते थे? आर्डर नहीं देता था कोई अफसर, आर्डर नहीं देना किसी ने, तो क्या करना, फायर हो रहा है होने दो, बोला बैठ जाओ मोर्चे में छुप जाओ। अच्छा, ऐसा बोले जाते थे? बोलते थे, अभी नहीं कोई बोलता, अभी कोई नहीं बोलता। हाँ सर, कहाँ गए? ऐसा होता था पहले? आप तो सर्विस में रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसा ही था पहले। पहले फायरिंग इस गांव से थोड़ा आधा किलोमीटर आगे फायरिंग होती थी, तो अभी तो काफ़ी पिछले 8-9 साल से बॉर्डर शांत है। छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो जो शेलिंग वगैरह नहीं होती? नहीं सर, शेलिंग सेव था। हाँ, ये हमारा जो गांव है ना, यही एक सेव था, इसके आगे जितने गांव थे ये सारे, जब भी वायलेशन होती थी, गोलाबारी होती थी, सारे माइग्रेंट करके जहाँ जो स्कूल है हमारा पंचायत घर में जहाँ पे कैंप लगते थे इनके भी, तो आए दिन गोलाबारी होती थी, जिससे माल मवेशियों का भी नुकसान होता था, कैजुअल्टी होती थी, लोग भी मारे जाते थे, घरों का भी बहुत नुकसान होता था, गाड़ियों का भी। तो जब से ये बीजेपी सरकार मोदी आए ना, तो उसके बाद ये कम से कम ये तो बंद हो गया, जो वायलेंस जी लोगों को भागा भागी वाला काम बंद हो गया। बट जो अभी बेरोज़गारी बहुत है। अच्छा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, कि हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं ज़्यादा आर्मी में जाते थे, अब 5 साल हो गए भर्ती हुए, तो उस वजह से बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, और ख़ासकर जो सारे जितने बॉर्डर के लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ये में कितने लोग यहाँ के आर्मी में रहे हैं? हर घर में एक दो। आप भी रहे सर सर्विस में? हाँ, मैं भी सर, मोस्टली लोग सर्विस में रहे हैं पहले। थोड़ा आगे आ जाइए भैया, वैसे यहाँ का साथ सबसे बड़ा हमें फ़ायदा हुआ है, जो हम बेस्ट पाकिस्तानी थे, जो 370 धारा टूटने से और 35 ख़त्म होने से हमें पूरा अधिकार मिल गया जहाँ का, जो पहले जो कुछ हम वर्जित थे, जो बेस्ट पाकिस्तानी थे, बेस्ट पाकिस्तानी थे, और इससे हमें सबसे अच्छा यही हुआ है कि ये जो दफा टूटी है ये बहुत ही अच्छा और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद। अच्छा, एक बार बताइए मुझे, वेस्ट पाकिस्तानी वाला समझाइए थोड़ा आप लोग, क्योंकि मैं सांबा में भी सुन रहा हूँ कि बहुत सारी कॉलोनी बसी है, कठुआ में भी, जम्मू में है ही है, नगरोटा में ऊपर जाइए, पुरखू में कई सारे घर हैं वेस्ट पाकिस्तानी, क्या कॉन्सेप्ट है आप बताइए? जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं ये लोग 45 में नहीं आए ये लोग, और ये सियालकोट साइड से आए थे। अच्छा। ये जो बस्ती है ये मीरपुर सेक्टर से आई थी। उन वो लोग 65 में आए, उन लोगों को वर्ग लाया गया, किसी को पंजाब में बिठा दिया, किसी को हरियाणा में। वो लोग जो राइट्स इन माइग्रेंट्स को 47 वालों को मिले ना, वो राइट्स उनको नहीं थे। वो असेंबली के इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, उनको स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, तो वो लोग नेचुरली बात है वो वीक थे। इस वजह से वो काफ़ी लंबी फाइट रही POJK वालों की, तो अभी 370 टूटने के बाद उनको ये राइट मिला है। जबकि जहाँ की जो जम्मू कश्मीर सरकारें नहीं है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी, वो नहीं चाहती थी कि जहाँ पे 370 टूटे, क्योंकि POJK के जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 2-2.5 लाख वोट है उनका। अच्छा। हाँ, वो बड़ा फैक्टर डालेगा अभी इस इलेक्शन में। अच्छा। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, POJK यही बता रहे थे, कितने POJK के 2.5 लाख से ज़्यादा वोट हैं? नहीं, POK तो बहुत हैं, जहाँ एक्चुअल क्या है सर, दो हैं, एक POK लग गया है, बेस्ट बेस्ट पाकिस्तानी लग गया। हम हैं, हाँ हाँ वो तो पता चल गया। हमारा वोट कितने? सियालकोट पहले पंजाब में, अभी भी वो पंजाब में है, मींस जो पंजाब में ये POK वाले जो हैं, ये इसके साथ लगते थे, JNDK के साथ, ये रियासत के थे, तो हम लोग तो एक्चुअल हम पंजाब के हैं,
जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट था ये पंजाब में था पहले, पहले प्रांत पूरा पंजाब का है इस वजह से, जहाँ से वहाँ, जहाँ से इसी बॉर्डर का भी है, थोड़ा इधर चले जाओ पीके सामने जो हमारे बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ, वो तो बताया अभी लोगों ने। ये बताइए आप लोग कि अभी चुनाव चल रहा है यहाँ पे, जैसे 370 हटने का तो वेस्ट पाकिस्तान को फायदा हुआ, ठीक है आप यू कह रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान से आए लोगों का, लेकिन 370 टूटने का कई लोग कहते हैं कि यार इससे बड़ा नुकसान हो गया कि हमारा जो पूर्ण राज्य था वो चला गया और प्लस हमारा स्टेटस स्पेशल स्टेटस था, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिलना चाहिए, जितना जल्दी हो इतना ही जल्दी हमें मिलना चाहिए, ताकि हम अपना जो पूरे अधिकार हैं, जो हमें पूरे अधिकार मिले, वो पूर्ण राज्य दर्जा जल्दी से जल्दी करना चाहिए गवर्नमेंट ने। जो भी गवर्नमेंट आए उनको हमें J&K का पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। इससे क्या कि पहले हमें बहुत, हम 6-7 साल हो गए ये जहाँ पर गवर्नर राज था, अभी उससे क्या कि हमें कुछ नौकरियों भी बचत नहीं मिली, हमें कुछ ऐसे बहुत से काम है जो हमारे पेंडिंग है। इसलिए पॉलिटिक्स जो, एक तो CM होना बड़ा ज़रूरी है J&K में, ताकि पावर हो। हाँ, जिसके पास पावर हो, तो ये अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिले तो फिर सबसे अच्छा। क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि देखो 370 टूटे जो हम सभी लोग चाहते थे, बट जो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि एक स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया, यूटी मीनिंग से आम लोग नहीं, जो पब्लिक समझती कि यूटी क्या, यूटी का कोई मतलब भी नहीं होता, जहाँ पे तो एक मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उसकी तो पावर ही नहीं, वो पावरलेस होगा। तो BJP ने तो क्या किया कि जितनी BJP ने जैसे 370 हटाई सभी लोग खुश हुए, जैसे उन्होंने यूटी बना दी तो BJP बैकफुट पे आ गई। अब कहते हैं कि हम स्टेट का दर्जा देंगे, बट अगर स्टेट का दर्जा देना था तो उन्होंने इलेक्शन के पहले दे देना था, जैसे 2 महीने पहले सारी स्टेट की जितनी पावर थी वो सारी LG को दे दी, कि इवन की कोई एक PN का चपरासी की ट्रांसफ़र करनी है वो भी LG करेगा। इसमें तो BJP की नीयत तो साफ नहीं थी। हम तो खुश थे कि BJP ने 370 हटा दी, तो दुख इस बात का है कि इन्होंने पूरी स्टेट को ख़त्म कर दिया, हमारे नौजवानों को भी ख़त्म कर दिया। अब हमारे जहाँ एम्स बना हुआ है भोजपुर में, एम्स में जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो आउट ऑफ स्टेट की हो रही है, वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड की हो, लैब टेक्निक्स की हो, डॉक्टर की हो, स्टेट वालों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया यूटी में। तो जहाँ पे जो नौजवान थे हमारे उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, तो यूटी का जो यूटी तो बिल्कुल पहले जो डिजर्व भी नहीं करती थी, इतनी बड़ी स्टेट है, जो कोई छोटी स्टेट थोड़े है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल था तो रियासत जम्मू कश्मीर का, जहाँ से लखनपुर से लेकर श्रीनगर कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित तक, जान के चाइना बॉर्डर तक ये रियासत है हमारी, पंजाब से लेकर चाइना बॉर्डर तक हमारी रियासत है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल में, लेकिन इसको यूटी बना दिया। यूटी बना के हमें मिला क्या? अब 5 साल में तो LG राज यहाँ पे चल रहा है, 5 साल में ना तो कोई नौकरी मिली ना रोज़गार मिला, तो इससे तो लोगों को नुकसान ही नुकसान है ना जी। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर। जैसे यूनियन जी, तो ये ट्रैक्टर यूनियन हमारे इसलिए बनाने पड़ी क्योंकि इन्होंने आके जब से 370 का जो ढोल जूठा पीटा गया इन्होंने, भाजपा ने, तो उसकी वजह से कुछ जगह तो फ़ायदा हुआ लोगों को, कुछ जगह नुकसान ज़्यादा हुआ। जब से ये 370 टूटा है, गवर्नर आया है, जहाँ पे यूटी बनाई गई है, जब से तब से लेकर जहाँ पे इन्होंने माइनिंग माफिया खड़ा कर दिया, हमारे माइनिंग माफिया खड़े हो गए जी, ये भाजपा की वजह से हुआ। उससे पहले हम, मैं खुद एक ट्रैक्टर चालक था, गरीब परिवार से, अपना दिहाड़ी बेलचा चला के अपना रोज़गार परिवार पालते थे, लेकिन आज हालत ऐसी हुई कि एक गरीब नौजवान पढ़ा लिखा अगर वो बैंक से लोन लेके जाता है, ट्रैक्टर चलाता है या नदी नालों में जाता है, उसको माफिया की परिभाषा दी जाती है, उसको माफिया बोला जाता है। वो अपनी खून पसीने की कमाई से अपना काम कर रहा है, रोज़गार चला रहा है, 4 परिवार पलते हैं एक ट्रैक्टर से, एक दुकानदार है, एक डीलर है, एक लेबर वाला है, एक ड्राइवर है, एक मालिक है, 5 परिवार हो गए। लेकिन आज जहाँ पे बड़े बड़े जो गुजरात से, अपना दिल्ली से, बड़े बड़े प्रदेशों से लोग आके जहाँ पे अपना सेटअप चला रहे हैं, क्रैशर चला रहे हैं, डंपर चला रहे हैं, लेकिन जब कोई गरीब ट्रैक्टर लेके जाता है उसको लाखों रुपया जुर्माना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग हैं उनको ज़्यादा काम मिल रहा है, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जी, यही हो रहा है, जैसे भाई साहब ने पहले बोला कि AM से। तो इसमें दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत क्या है, मतलब हाँ इसमें दिक्कत क्या है कि जो माइनिंग थी ना, जो आम ट्रैक्टर ट्राली, जो रेत बजरी जहाँ पे 1000 रुपये में मिलती थी ना, वो आज 4000 रुपये मिल रही है। बाहर के लोग काम कर रहे हैं इस वजह से, जो टेंडरिंग है वो बाहर के लोगों का है, जो 1 करोड़ का टेंडर था वो 10 करोड़ में गया, बाहर से बिजनेस माफिया कहें कुछ भी कह सकते हो आप, वो टेंडरिंग सारी चलेगी उनके पास। वाइन शॉप, शराब माफिया भी जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े लेवल पर है, गांव-गांव में इन्होंने वाइन शॉप्स खोल दी हैं,
90% जो बाइंग शॉप के टेंडरिंग है वो सब पंजाब से जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं। अब क्वालिटी क्या होगी, आप लोग टेंडर वगैरह यहाँ के लोग मतलब ये समझना भी पड़ेगा ना, टेंडर वाला भरते हैं कि नहीं यहाँ के लोग? यहाँ पे पहले टेंडरिंग सिस्टम नहीं था, पहले लाइसेंस होता था, अब है, अभी दो साल से टेंडरिंग है। टेंडर भर रहे हैं यहाँ के लोग कि नहीं? भर ही नहीं पाते हैं, इतना ज्यादा माफिया है, करोड़ों रुपए जाता है, हाई रेट में चल रहा है, तो नॉर्मल बंदा तो टेंडर नहीं कर पाएगा। वो बाहर के जो बिजनेस मैन है वो, जैसे खास किसान का यही है सर कि 6 महीने जैसे ट्रैक्टर बंद रहते थे तो ये अपना कंक्रीट वगैरह बजरी बालू वगैरह निकाल लेते थे, तो उससे फिर रेट में भी फ़र्क रहता था, 1500 में एक ट्रॉली मिलती थी, अभी वही 3500 या 4000 तक जा रही है सर। ये माइनिंग पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, काफ़ी क्रैशर्स हो रही, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, पहाड़ की माइनिंग और रेत की माइनिंग दोनों की, पत्थरों पर रेत दोनों की। इसके साथ साथ बताऊंगा, जहाँ पे बासमती चावल जहाँ का इंडिया में नंबर वन मशहूर था, लेकिन कुछ मिलर्स की वजह से या बाहर से जो आने वाले जो बिजनेस मैन थे उन्होंने पंजाब से, हम बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कांजन, वो आधा चावल छिला होता है, ब्राउन राइस जिसे बोलते हैं, वहाँ से लाकर उसको मिक्स किया गया, जहाँ से सैंपल इंटरनेशनल मार्केट में जाता था, लेकिन पिछले 7 साल से वो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में वो सैंपल पिट गया, बासमती का रेट नीचे आ गया। गवर्नमेंट कहती है कि पिछले 5 साल में हम किसान की इनकम डबल करेंगे, डबल इनकम कहाँ करेंगे, जबकि रेट जो 4 साल पहले था आज भी वही है। कंट्रोल नहीं है रहा इनका, ना माइनिंग पे कंट्रोल है, ना शराब माफिया पे कंट्रोल है, ना बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं बाहर से उन पे कोई अंकुश नहीं है। एक बात बताइए फिर, अब मैं थोड़ा सा वैसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिससे फांके बढ़ती हैं थोड़ी सी कई कई बार पॉलिटिकल बहसों में, कि आप लोग सरकार कौन सी चाहते हैं तब अपने राज्य में? थोड़ा पास में जाइए, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना, आप लोग सरकार कौन सी चाहते हैं अपने स्टेट में? क्या 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 लगता है कौन सी सरकार आप लोग के लिए काम कर पाएगी? क्योंकि मैं इसलिए बता दूँ सर आपको, जम्मू डिवीजन में आइए तो लोगों को लगता है कि ये लोग कांग्रेस और बीजेपी में उलझे हुए हैं, कश्मीर में डिवीजन में जाइए तो लगता है वो एनसी और पीडीपी में उलझे हुए हैं, यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ का ऐसा है, जो विकास हो रहा है, विकास मीन्स कुछ विकास नहीं भी हैं, जैसे रोड का है, मेन जो विकास हैं, और इस वक्त सिचुएशन देखते हुए हमें बीजेपी का समर्थन, बीजेपी सही है, क्या है कि फायदे भी हैं, फायदे ही बहुत हैं, फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान भी है, ये नहीं है, नुकसान भी है। अभी ये बोलने के रोजगार जो पड़ेगा उसको रोजगार जरूर मिलेगा, और बिना पैसे मिल रहा रोजगार आजकल है, जो भी बच्चा पढ़ा हुआ है बिना पैसे के आप टेस्ट दो, हिम है तो आगे जाओ, नहीं है तो पीछे जाओ। अभी फिलहाल इधर कुछ इधर टेस्ट हुए थे, उस टेस्ट में हमें पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, उस टेस्ट में जो भी थे उनको पहले डुमी सेल जहाँ का चाहिए वही एंट्री किया है, बाकी और कोई हमें पता नहीं। पंजाब में विकास तो हुआ है, डुमी सेल से 100 में से 75% जो है विकास की तरफ गया, 75% कुछ नुकसान भी होते हैं, अगर कुछ फायदा होता है कुछ नुकसान भी उसमें हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत नुकसान झेल लेंगे, थोड़ा 25% तो झेलना पड़ेगा, कोई भी आदमी 5 उंगलियाँ हमारी एक जैसी तो होगी नहीं, इसमें तो फर्क आएगा। बताइए आप लोग बताइए। हाँ सर, फ़ायदे तो हुए हैं सर, इसमें तो कोई शक नहीं है, फ़ायदे तो हुए हैं, तो जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि कुछ एक नुकसान तो हुए, हर किसी को खुश करना तो पॉसिबल नहीं है, तो नुकसान तो हुए हैं, जैसे मध्य वर्ग उसका ज़्यादा नुकसान, जैसे किसान भाई ने बताया कि अब ट्रैक्टर में बजरी वगैरह ले आते थे, हाँ तो जैसे भाई ने बताया कि किसान जब फ्री होता था वो अपने ट्रैक्टर से दिहाड़ी का 1000-1500 रुपया कमा लेता था, लेकिन वो अभी ख़त्म हो गया है, ये जरूर हुआ, उससे रेट में काफ़ी इजाफा हो गया जो भाई साहब आप बताइए। देखिए जी, नुकसान इस बात को जैसे मैंने कहा कि अजय भाई साहब ने बताया कि हमारे गांव में ना मैक्सिमम कम से कम आपके पास माइक है, हंसने क्यों लगे हैं? नहीं क्या बात है, नहीं पहले आपके पास माइक है, हंसे क्यों हैं? मैं बात तो बताऊँ, देखो आप बीजेपी वाले के माइक पास करेंगे वो बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस वाले के पास करेंगे वो कांग्रेस की बात करेंगे, हम तो किसी राजनीति पार्टी के जुड़े हैं नहीं कि हम, देखो मैं किसको वोट दूंगा, जो मेरा राइट है वो मैं जानता हूँ, जब मन है वो आपका मन है, मैं ओपन क्यों कहूँगा, मेरी चॉइस है, हर किसी का राइट है कि वो वोट किसको डोनेट करना है वो उसकी चॉइस है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे नुकसान है इस गाँव में कम से कम भी 40-50 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, और एक ट्रैक्टर से 3-4 आदमियों को रोज़गार मिलता था, 1000 रुपये की रेत की ट्राली मिलती थी, 1000-1200 में पत्थर और बजरी मिलती थी, वही रेत की ट्राली आज 3000 में मिल रही है, तो कहाँ विकास हुआ? विकास तो होता है ना, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आज PhD डिग्री होल्डर बच्चे को नौकरी नहीं, रोज़गार नहीं,
विकास होता है, हमारे बच्चे कहीं जॉब पे लगे तो घर का विकास होगा, ये सड़कों से विकास थोड़ी हो जाता है। हम मकान बना लेंगे 40-50 लाख रुपए का, तो हमारा बच्चा नशा कर रहा है तो वो तो मकान के घर से बर्तन भी बेच देगा ना। अंकल जी तो बोल रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी तो जरूर मिलेगी। नहीं, 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 नहीं। देखो जे अभी कितनों को मिली है जी, मुझे ये बताओ कि 5 साल में कितने लोग, नहीं नहीं सिर्फ ये बता दो कि 5 साल, नहीं नहीं सिर्फ ये बता दें कि 5 साल में हमारे गाँव के कितने लड़के आर्मी में गए हैं। देखो आर्मी में गए हैं जो फिट, जो नहीं नहीं कोई फिट, जो फिट होगा वो आर्मी में जाएगा, वो जाते हैं जहाँ के कम से कम भी 300-400 बच्चा हर टेस्ट में जाता है, आगे पास होना नहीं होना उनकी काबिलियत। बताइए अंकल जी, ये बोल रहे 300-400 बच्चे जाते हैं पास नहीं होते हैं। नहीं ऐसी बात थोड़ी, बच्चे पास नहीं होती। पहले देखिए पता क्या बात है, पहले हर साल जहाँ पे ना देखिए एक बात वो माने कि देश में, चलो गाँव की बात छोड़ दो, देश में 65-70 हज़ार पे हर साल जो है रिटायरमेंट होती है आर्मी से, फोर्स से, चाहे वो BSF हो, आर्मी हो, ITBP हो, लेकिन इतनी रिक्रूटमेंट भी होती थी, भर्ती भी होती थी, जितनी रिटायरमेंट होती थी इतनी भर्ती होती थी। क्या पूरे देश में 65,000 या 70,000 आर्मी में भर्ती हुई? वो आर्मी को तोड़ के बना दिया 4 साल का अग्निवीर, अग्निवीर 17 साल का लड़का अग्निवीर में जाएगा, 21 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, 40-50-30-40 लाख से वो अपनी बहन की शादी करेगा, अपनी करेगा, अपने घर को बनाएगा। ये बात का जवाब दे दे कि अग्निवीर, जिन्होंने अग्निवीर स्कीम लाई है अब उनको भी समझ नहीं आ रहा हमने बना क्या दिया है। कोई सही अग्निवीर, हाँ सही अग्निवीर, अग्निवीर जो फिलहाल जो इसको न्यूट्रलाइज किया है बिल्कुल सही किया है, अग्निवीर सही है, सही है। अच्छा। क्योंकि जे इसकी ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आर्मी की फोर्स की ट्रेनिंग इतनी वीक हो गई थी कि जो पैसा देकर, पहले चलता था पैसा, जो पावरफुल होता था पैसा देता था। अरे ऐसे मत कहिए, आप भी फौज में रहे हैं, अरे आप भी फौज में रहे हैं, इसे अभी लोग मीम काट देंगे आपका, आप बोलो फौज में रहे हैं यार, ऐसे मत बोलिए अंकल जी। क्या चल रहा है, आर्मी पे एप्लीकेशन लगा लेके पैसे देके बच्चे भर्ती होते हैं, ये गलत बात है, बच्चे कोई मीम काट देगा कल आपका। अच्छा फिर ऐसा है, चलो ठीक है, ऐसा है अग्निवीर की कहानी बताऊं। अग्निवीर मैं बोल रहा जो फिट होगा, फिजिकल फिट होगा, सब कुछ आगा, वो बिल्कुल चलेगा। वो अग्निवीर को कम से कम एक बच्चा घर में बैठे से, एक तो उसका 100% हो गया, 100 में से 25 आदमी लेने हैं, 75 रह गए, अभी जो रह गए हैं 4 साल के बाद 25-30 लाख रुपया लेकर वो वापस आएंगे, वापस आकर बैठकर वो कहीं भी कोई भी काम अपना कर सकते हैं। नहीं तो उनके लिए जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, CRP BSF, उसमें जा सकते हैं और उसी टाइम जाएंगे। और अभी तो सुनने में आया है कि इसका गवर्नमेंट ने 7 साल कर दिया, अभी हुआ है, अभी सिर्फ हमारे गांव में टोटली एक अग्निवीर हुआ है 5 साल में, और हर साल कम से कम 15-20 लड़के आर्मी में, BSF में, ITBP में, CRP में, बेल्ट फोर्स में जाते जाते थे 30-40 साल में एक अग्निवीर हुआ बता रहे हैं। ऐसे ये तो मैं अभी क्या बताऊँ, अगर आप भी बताइए। नहीं नहीं मैं ये बताऊंगा, अगर एक बच्चा पास हुआ मैं तो मोहल्ले का हुआ जी, उस मोहल्ले को मैं बता देता हूँ, उस मोहल्ले का एक ही लड़का हुआ अग्निवीर 5 साल में, किसी को पूछ लो आप, इनको बता दोगे, अगर दूसरे का नाम बता दोगे। टेस्ट तो सभी ने दिए हैं, टेस्ट तो दिए हैं, जहाँ तक टेस्ट थोड़ा अंदर आ जाइए समझते हैं। एक्चुअली जहाँ क्या है कि 98% 4,000 की पॉपुलेशन है गाँव में, 4,000 की पॉपुलेशन है जहाँ पे, 98% लोग आर्मी में थे, मेन जहाँ खेती बाड़ी थी, जहाँ जय जवान जय किसान। अब जब से करीब 10 साल हो गया, 10 साल के यहाँ पे ना BSF की भर्ती हुई है, ना आर्मी की हुई है, ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हुई है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है जूथ में। आप जूथ से किसी से बात कर लो, पिछले 10 साल में अभी अग्निवीर लाई है, अग्निवीर की भी रैली जहाँ पे नहीं हुई है, बॉर्डर बेल्ट थी, हाँ बोर्ड है, रैली नहीं हुई। अंकल जी किसकी तरफ है ये बताइए पहले। मैं अग्निवीर की तरफ। एक्चुअली क्या है यहाँ पे मैंने बताता हूँ, मोस्टली जहाँ पे क्या है कि मैंने बताया आपको 98% लोग आर्मी, BSF, CRPF, CISF में, इनका काम चल जाता है पेंशन से, प्रॉब्लम है जूथ की। हम सर्वाइव कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, हम सर्वाइव कर रहे हैं, 8-8 एकड़ हम लोगों को माइग्रेंट थे, जमीनें मिल गई, फादर को पेंशन मिल गई, सर्वाइव कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन का क्या है। 4 साल में ये लड़के भी बोल रहे थे मुझे, 4 साल आओ कहाँ गए, अरे लड़के जा रहे हैं। 4 साल अगर 18 की एज में बंदा भर्ती होता है, सुधा जी 18 की एज में लड़का भर्ती होता है, 22 में आ जाता है घर,
तो 23 साल में रिटायरमेंट के साथ कौन लड़की शादी करेगी बताइए भाई। अग्निवीर पे बात हो रही है, कितना सही मानते हैं आप लोग, तैयारी करना है आपको? नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो 12वीं पास हूँ। ठीक है, 12वीं पास है, अच्छी लगती है अग्निवीर। अग्निवीर योजना अच्छी लगती है, सही है। ठीक है, नहीं 4 साल के बाद बंदा घर आए, कोई अपना बिजनेस करे, ठीक है, अगर नहीं हो तो बंदा बाहरले मुल्क चले जाए, आधे से ज्यादा तो पिंड बाहरले मुल्क गया हुआ है, आधे ज्यादा बाहरले मुल्क गया हुआ, मतलब कि ठीक फॉरेन क्यों गए दोस्त, फॉरेन क्यों गए? फॉरेन फॉरेन इसलिए गया कि पैसा उधर ज्यादा है, ठीक है, इधर थोड़ा कम है, इसलिए फॉरेन चले गए। और फॉरेन में क्या कर रहे हैं वो लोग? फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, यही है, जो इधर काम करते हैं वही उधर करेंगे, उधर कौन सा क्लर्क बनेंगे, सेम ही है ना। बाकी वो उसको क्या बोलते, विकास हुआ है, मतलब कि 100 से ना कोई 70% तो हुआ है, ठीक है, इधर पहले रोड इतना गंदा था कोई साहब ने, ठीक है, पत्थर पड़ जाते और एक्सीडेंट होते थे, ठीक है, उसकी फैसिलिटी मिली है पूरी, ठीक है, और एम्स भी बना हुआ है, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये रोड जो हमारा बना ना, खासकर जो सतराइया का, जो हमारे यहाँ के लोकल मंत्री रहे हैं आरएस शिव साहब, और आरएसपुरा बॉर्डर में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस अगर आई है तो इस गांव सतराइया में आई है, और आज पूरे बॉर्डर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस गांव के हैं, सबसे ज़्यादा ऑफिसर लोग इस गाँव के हैं। डॉक्टर साहब अंदर से कुछ बोल के वापस अंदर चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना इस गाँव, मैं आपको बताऊँगा, इस गाँव में कम से कम 30-40 कैप्टन हैं, 40-50 सूबेदार होंगे, अभी तो एक सफाई भी नहीं हो रहा, अग्निवीर को क्या कहेंगे, एक्स अग्निवीर, जब 4 साल के बाद वो रिटायर आ गए उसको कोई शादी भी नहीं करेगा। अब ये बता दें कि अब जो सरकारी आंकड़े हैं, शादी करना थोड़े जरूरी है, मान ली शादी बाद में जरूरी है, शादी नहीं होगी तो देश तरक्की कैसे करेगा, आबादी कैसे बढ़ गया, फौज में फिर कैसे जाएंगे बच्चे। बात तो ऐसे है ना, देखो भाई साहब, घर को चलाना बहुत मुश्किल है, जो ना जिनका इनकम सोर्स है ना, मैं आप क्लियर बात बता दूँ, जो जॉब करके आए हैं सरकारी, जिनका इनकम सोर्स है, उनको तो कोई परवाह नहीं है, वो तो कहते हैं अग्निवीर भी अच्छी है, उन्होंने कौन सा होना है। अब जो हमारे बच्चे हैं, हमने कितना पैसा बच्चों पे लगाया है, लेकिन उनका फ्यूचर जीरो है। अब एक बच्चा बोल रहा था कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, 20-20 लाख रुपया दे के हम आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, कौन माँ बाप चाहता कि हमारा बच्चा हमारे आँखों से देश को मजबूरी से देश छोड़ रहे हैं ना बच्चे। अगर रोज़गार जहाँ पे मिले, मैं आपकी छोटी सी बात बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार बनती थी ना तो 60-70 हज़ार लड़के की सरकारी अपॉइंटमेंट होती थी, जिसको कहते थे डेली पेजर। तो जब 5 साल के बाद इलेक्शन होता था ना, वो 70 हज़ार को परमानेंट कर देते थे, तो 70 हज़ार और डेली पेजर लगा देते थे। अभी भी जहाँ बहुत लड़के जो डेली पेजर लगे हुए हैं कांग्रेस एनसी की सरकार के, लेकिन बीजेपी ने 5 साल में कितनी इंप्लाइज दिया उल्टा। आप जम्मू में आपने पूरी रिपोर्टिंग की, डेली पेजर जगह जगह बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ मर गए हैं, कुछ के ओवरेज हो गया है, उनको परमानेंट नहीं किया। बताइए सर, 5 साल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार ने एलजी का जो रूल आया उसमें कितनी नौकरियां दी हैं? सर बात ऐसे है, अग्निवीर के ऊपर एक दो पॉइंट में बोलूंगा, एक अग्निवीर पे एक दो पॉइंट बोल लीजिए। हाँ सर, सुनते रहिएगा। ये जो एक किस्म की डिबेट ही बन गई है यहाँ, एक किस्म की डिबेट बन गई है ये डिबेट। हाँ, अग्निवीर प्लस शिव परमानेंट। अग्निवीर अगर आप 4 साल या 5 साल या 6 साल करके आते हैं तो आप एक अच्छे अनुशासन लेकर आते हैं। नंबर दो, अग्निवीर है जो 5 साल करके आएगा, अगर आज हमारे देश में अभी युद्ध शुरू हो जाता है, जितना यूथ है वो साथ हो करके पाकिस्तान के साथ दूसरे देश के साथ मुकाबला कर सकता है, क्यों कि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग लेकर आया है। सर आपकी सर्विस कितने साल की रही? सर्विस 20 साल की है, 15 साल की है, या 16 साल की, जो भी कर। आपकी सर्विस कितने साल की रही? हमारी सर्विस रही 20 साल की। अब सर आप 20 साल की सर्विस कर रहे हो, लड़कों को बोलोगे 4 साल में वापस आ जाओ, अच्छा लगेगा उसको? क्यों नहीं लगेगा, वो एक शिक्षित बनेगा, एक शिक्षित बनेगा, देश शिक्षित बनेगा, देश क्यों नहीं शिक्षित बनेगा अगर आप शिक्षित हैं। सर मैं भी आर्मी में हूँ, अभी जेस्ट कह दे, हैं अभी। नहीं नहीं अभी रिटायरमेंट हूँ, अभी जेस्ट कह दे, एक वीडियो चढ़ी थी उसमें CHM बोलता है जा तू ड्रिल कर, बोला मैं अग्निवीर हूँ, मैं किस लिए ड्रिल करूँ, लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ जाएगा अग्निवीर, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो हुक्म नहीं मान रहा अभी झुंड में। हाँ वो बोला मेरे को हटा दिया, मैं सोऊंगा बस, 4 साल बाद मैं घर जाना, मैं कोई काम नहीं करना। देखो अगर देश शिक्षित है, देश हथियार जाना जानता है,
अगर देश पेंशन का 70 करोड़ रुपया मोदी खा गया है लेके बिक रहे हैं, बोलते बाद में कहते हिंदू है हिंदू है, हिंदू कहाँ गया, हिंदू को बेच दिया। अग्निवीर के लिए जो सबसे पहली गवर्नमेंट आई जिसने आर्मी को ध्वस्त करके रख दिया, आर्मी को बेच दिया और जो अग्निवीर में रखे, अगर कल उनकी कैजुअल्टी उनके माता पिता क्या करेंगे बताओ मुझे, हमें उनसे क्या करेंगे, उनको राइट दे रहे हैं ये हॉस्पिटल की दे रहे हैं कोई फैसिलिटी उनको की पेंशन की माता पिता की दे रहे हैं, उसकी डेड बॉडी आई थी पंजाब में और उसको बिना तिरंगे से लपेट कर आई थी, ठीक है, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया उसको, ये क्या सोई हुई है, ये गवर्नमेंट सोई हुई है, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, अग्निवीर वाला आर्मी को ध्वस्त किया, लोग हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, हम सुजेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम जे लोग सिर्फ आर्मी पे डिपेंडेबल हैं, बेल्ट फोर्स पे डिपेंडेबल हैं, क्योंकि इन्होंने आर्मी ख़त्म कर दी, अब अग्निवीर आ गई, अग्निवीर का मतलब क्या है, इनको पूछो कि अग्निवीर का मतलब क्या है, उसको क्या फैसिलिटी देंगे, ऐसे है सर जो शहीद का दर्जा है, हमारा एक आदमी इधर डेथ हुआ था, नाम तो मैं नहीं जानता, किसी दूसरे गांव का, उसको शहीद का दर्जा भी मिला है और उसको साथ साथ उसको 1 करोड़ रुपया मिला है, पूरा 1 करोड़ मिला है उसको और गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने, अग्निवीर था कि नहीं, वो अग्निवीर था, वो अग्निवीर था, हाँ अग्निवीर था, इसलिए 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपया उसको बाई कैश उसका आ गया है, और जो बीजेपी की सरकार है आने वाले समय में बीजेपी की सरकार जो है तो हम जितने भी हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं, जे इसमें पहले 70 साल भी कहते राज किया कांग्रेस, तब नहीं हिंदू थे इंडिया में, तब भी हिंदू थे सुरक्षित थे, नहीं तब भी सुरक्षित, अभी जो मैं बोलना ना पिछले 70 साल कांग्रेस ने किया है साढ़े लोगों वास्ते क्या किया कांग्रेस ने, 10 साल में क्या किया बीजेपी ने, 10 साल में मेरे को काम बताओ, उनके काम बताओ 10 साल में, जम्मू में एम्स आया पहले 10 साल पहले आया, बिहारी आया, गवर्नर ने कौन को किसको बैठाया, भैया बैठाए सेक्रेटरेट में, भैया बैठा दे ठेकेदार भैया आगे, टोटल 7 एम्स है आज, 120 एम्स है जो कि जम्मू में 2 एम्स है, 1 जम्मू में 1 श्रीनगर में, जम्मू में रिवर फ्रंट बन रहा है, डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है हद से ज्यादा, पिछले 70 साल में यहाँ पे हुआ कुछ नहीं था, चिट्टा आज गांव में जिसके माँ का बच्चा मरा ना चिट्टे में, उनको पूछो क्या आया 10 साल में, चिट्टा आया, चिट्टा लाने वाले कौन थे, कांग्रेसी एनसी चिट्टा लाने वाले थे, जो कि पंजाब को खोखला कर दिया, हर बार पंजाब में कांग्रेस का ही राज रहता था, लेकिन पंजाब अंदर से खोखला हो चुका है, चिट्टा कहाँ, 10 साल में क्या हुआ इधर, 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुई है, पहले मैं 10 साल में आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो एज हो गई है, उनकी एज हो गई है, जो पढ़े लिखे हैं वो कोई बेरोजगार नहीं, जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 साल में प्राइवेट सेक्टर में इतना काम है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको 2-2 करोड़ जाएंगे प्राइवेट वाले, माइक बोलिए माइक में भाई साहब, माइक में मैं कहा प्राइवेट जो ना उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है, जहाज पकड़ना विदेश में चले जाना, जो ला लेके बोलते किसी है, अरे बस 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 अंकल जी मैं तो चला जाऊंगा, आप लड़ जाएंगे आपस में, चलिए इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।